हेलो दोस्तों, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है ये मैंने इस वीडियो में बताया है। मेरा चैनल जो है वो बिगनर्स के लिए है, और जो छोटे कैपिटल में ट्रेड करना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो देखिए आज मैंने कैसा प्रॉफिट कमाया है। तो दोस्तों, आज मार्केट ने सी साइड में काफ़ी सारे पॉइंट दिए हैं, और जब भी आप एक्सपायरी में कोई ट्रेड लेते हो तो एलटीपी एकदम ऐसा 3-4 वाला मत लीजिए। एलटीपी करीबन 10-11-12 या 8-9-10 ऐसे चल रहा हो वैसा लीजिए, थोड़ा सेफ होता है वो। क्योंकि ऐसे भी दिन आए थे कि मैंने कम वाले एलटीपी लिए थे और फिर वहाँ पे प्रीवियसली प्रॉफिट नहीं बन पाया था। तो दोनों साइड का आपको देखना है, सेम स्ट्राइक प्राइस में कॉल साइड का भी देखना है, पुट साइड का भी देखना है। देखना है कि कॉल साइड में और पुट साइड में कितना डिफरेंस है। ऐसा ना हो कि कॉल साइड में 250-300 पॉइंट्स मतलब एलटीपी हो और पुट साइड में बहुत कम हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। करीबन 80-90 या 100 के पॉइंट्स का डिफरेंस होना चाहिए पुट साइड और कॉल साइड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉल साइड मार्केट अच्छा गया था, पर मैंने पुट साइड में कैसा स्कैल्पिंग किया है। ये जो हाईलाइट किया है, ये दो स्विंग है, यहाँ पर मैंने स्कैल्पिंग किया है पुट साइड की तरफ। तो स्कैल्पिंग कैसे किया है मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो लेवल है, ये लेवल से फर्स्ट स्विंग रिवर्स हुआ है या फिर रिवर्सल हुआ है, और सेकंड स्विंग में भी उसी लेवल से थोड़ा बहुत रिवर्सल हुआ है। तो ये लेवल आपको देखनी है, और जैसे ये थोड़ा बहुत रिवर्स होता है जितने पॉइंट्स मिलते हैं कैप्चर कर लो और सड़क फड़क का काम करो, मतलब एग्जिट हो जाओ। थोड़े बहुत पॉइंट्स, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट स्विंग को ब्रेक करके ऊपर चला जाए सेकंड स्विंग, ज़रूरी नहीं है। इसलिए जितने पॉइंट्स मिलते हैं सेकंड स्विंग में लेके निकल जाओ। और कब निकलना है, जब वो चलता ऊपर की तरफ जाता रहता है प्रीमियम चार्ट में, और जैसे रेड कैंडल दिखता है तो आपको देखना है कि वो रेड कैंडल रिट्रेसमेंट वाली है या रिवर्सल वाली है। वो आप जैसे प्रैक्टिस करोगे आपके समझ में आ जाएगा कैंडल का बिहेवियर। तो जैसे रेड कैंडल आती है एग्जिट मार लो, जितने पॉइंट्स मिलते हैं ग्रैब कर लो। एलटीपी कम होता है तो 2 या 3 क्वांटिटी से आसानी से आप ट्रेड कर सकते हो। एक्सपायरी के दिन आप 1000 रुपीज़, ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से मिला सकते हो, बट आप 1000 से 1500 रुपये कमा सकते हो। जब भी कोई ट्रेड लेते हो तो आपका दिल ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि आपको डर लगा रहता है, वो हर ट्रेड में होता है ऐसा। पर आपका व्यू अगर सही हो, आपके लेवल सही हो, तो आप पैसा ज़रूर बना सकते हो।